तो मेन सबसे बड़ा तो था कि जो आपस में कम्युनिकेशन गैप था टोलों के बीच में, सभी टोल अपने अपने मुद्दे अलग अलग तरीके से बैठे थे, अलग अलग तरीके से चला रहे थे। किसी के पास किसान संयुक्त मोर्चा की कॉल पहुंचती थी, किसी के पास नहीं पहुंचती थी, कुछ अपने लोकल मुद्दों के हिसाब से भी चल रहे थे। तो ये फैसला लिया गया कि हरियाणा के सभी टोलों की एक बार मीटिंग बुला करके, हमारा भी एक कॉमन एजेंडा है और उस एजेंडे को चला कौन रहा है, किसान संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली के अंदर बैठा है, उनकी जो भी कॉल आएगी हम सभी उसी के आदेशानुसार काम करें। इस तरीके से जो है सभी टोलों की यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई 18 सदस्यों की, के भविष्य में अगर किसान संयुक्त मोर्चा को हमारी किसी जो है मदद की जरूरत होगी या हमें अगर उनकी कहीं मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम उनसे संपर्क करेंगे, उन्हें अगर हमारी जरूरत होगी तो वो हमसे संपर्क करेंगे। इस तरीके से एक कमेटी का निर्माण किया गया और सारे टोल एकमत होकर के कि इस आंदोलन को अभी मजबूती से चलाना है। जैसे अभी वकील साहब ने कहा कि कई जगह क्या होता है, गिनती में थोड़े लोग बैठे हैं और प्रशासन ये समझता है कि इनको डंडे मार के उठा दो यहाँ से जो है। अब ये भविष्य में पूरा हरियाणा एकजुट है, किसी भी टोल के ऊपर या किसी किसान के साथ किसी भी प्रकार की अगर प्रशासन ज्यादती करता है तो ये 18 के 18 टोल जो है उस जगह पे सक्रिय रूप से वहां पर जाकर के कार्रवाई करेंगे और उसकी मदद के लिए पहुंचेंगे। और दिल्ली की सीमा पर आज जो है, चलो बोलो प्रधान जी बताएंगे आप। इसमें 18 जो टोल हैं उन्होंने भाग लिया है और कमेटी हमने एक बनाई है, उनका ना कोई प्रधान बनाया है, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा हमारा काम चला रहा है। इसी तरह 18 आदमियों की हमने कोऑर्डिनेट कमेटी बना दी है, प्रधान जो हमारी जहां आगे की जो मीटिंग होंगी करंटली प्रधान बनाया जाएगा, उसके अध्यक्षता में हमारी अगली जो बातचीत होंगी वो चलेंगी। लेकिन सभी कमेटी के भाई एक ही सम्मान के साथ हमने ये कमेटी बना दी है। जैसे संयुक्त मोर्चा में कोई प्रधान नहीं है, कोई नेता नहीं है, सिर्फ 40 सदस्यीय टीम, इसीलिए हमने 18 सदस्यीय कमेटियाँ बना दी है। आज खटखट टोल पर जो सारे हरियाणा के टोल की जो मीटिंग हुई है उसमें लगभग 18 टोलों से यहाँ प्रतिनिधि आए हैं, बल्कि एक एक टोल से चार चार पांच पांच आए हैं और ये किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए ये आज ये कमेटी तैयार की गई है और इस किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे और इसके साथ साथ संयुक्त मोर्चा जैसे भी आदेश देता है हम उस आदेश पर चल के और अपनी मांगे पूरी करवाएंगे और अब आंदोलन में जीतेंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं आप? और ये मैं भिवानी जिले से हूँ, दादरी और भिवानी का कट्ठा टोल है। वैसे हाँ, महेंद्रगढ़ और नारनौल वगैरह की साइड के टोलों को छोड़कर सारे हरियाणा के 18 टोल तो यहाँ आ चुके हैं। अगर किसी टोल पर विरोध प्रदर्शन होता है तो किसान क्या सभी टोलों के वहाँ पर पहुँचेंगे या फिर वही टोल उससे निपटेगा, इस बारे में कुछ बातचीत हुई? ये पहले ये रणनीति बनाई गई थी कि जो नजदीक टोल है, जो इमीडिएट उसकी जो है उसी टाइम से मदद कर सकता है, वो सबसे पहले वो मदद के लिए जाएगा। लेकिन सभी टोल एक दूसरे से, इसीलिए हमने एक दूसरे के तार जोड़े हैं कि किसी को भी जब भी मदद की जरूरत पड़ेगी वो आदमी करेगा। अब नज़दीक वाला जो है, जो अगर आज यहाँ पर खटखट में अगर ज़रूरत है तो सबसे नज़दीक बद्दोवाल टोल है, तो बद्दोवाल टोल सबसे पहले आकर के मदद करेगा, इसके बाद मैयर टोल या कितलाना टोल के लोग पहुँचेंगे यहाँ पर जो है। इस तरीके से हमने एक रणनीति बना दी कि जो नज़दीक वाला टोल है सबसे पहले वो वहाँ करके मदद करे और उसके बाद बाकी जो है दूसरे टोल वहाँ पर पहुँचे। पचपाड़ा पे भी देखने को मिला था कि लाठीचार्ज तभी हुआ था, जनसंख्या कम थी, किसान नहीं पहुँच पाए थे। हाँ, तो उस टाइम कम्युनिकेशन गैप था, अब नहीं रहेगा। अब जहाँ भी आपस में हम एक दूसरे से बात करके जिसके भी आपत्ति होगी हम वहीं पहुँचे। प्रधान जी एक सवाल है, 107 की धारा लगाई है तो किसानों द्वारा जो होता है जिला मुख्यालय OIG का घेराव, घेराव करे हैं और मांग रखी है कि जब तक मतलब मुकदमे वापस नहीं होंगे, घेराव हुए हैं तो वापस भी लिए, लेकिन सरकार अब जो करेगी 40,000 किसानों के ऊपर केस हैं तो उनका क्या प्रतिक्रिया आप? कोई बात नहीं, 40,000 केस हैं। देखिए आंदोलन में केस ही होते हैं,
जब सरकार का कोई मुकाबला कराया जाता है तो उसमें सरकार तो केस ही करेगी और उसका कोई चारा नहीं, या लठ मारेगी। सरकार ने केस कर लिए, लठ मार लिए, मौत होगी हमारी। साढ़े 600 किसान हम दे चुके हैं सरकार ने, और आपने पूछा भाई उस तरीका क्या बनाओगे, तो हम तो शांतिपूर्वक चलेंगे। ये भी एक सवाल आया था विजेंद्र की तरफ से, भाई फिर क्या करेंगे? शांतिपूर्वक रहेंगे हम, पानी मारो, लाठी मारो, गोली मारो, लेकिन उल्टे वापिस जिंदे घर नहीं जाएंगे। ये हमारा ये पूरा संयुक्त किसान मोर्चा का भी ऑर्डर है, और हमारे जो हरियाणा के टोल हैं इसीलिए तो आज मीटिंग बुलाई है कि भाई हम सरकार ऐसा काम आज तक हरियाणा में करे नहीं, जो 9.5 महीने कोई भी हमने हानि नहीं पहुँचाई है, एक बेर की हानि नहीं पहुँचाई है, पत्ते की हानि नहीं पहुँचाई है, किसी रेड़ी वाले की हानि नहीं पहुँचाई है, किसी किस्म की हमने हानि नहीं पहुँचाई है। लेकिन काले कानून वापिस और MFC पर गारंटी लेके तो हम रहे ही रहेंगे भाई, ये हमारा मुद्दा। अध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम, आज यहाँ जो खटखट टोल पे पूरे हरियाणा के जितने भी धरने हैं, टोल प्लाजा हैं, उनके यहाँ प्रतिनिधिमंडल आए हैं और सभी ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। अभी तक सभी पर मैसेज नहीं पहुंच पाता था, तो जो आज ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है इससे आंदोलन तेज होगा और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ समन्वय अच्छा बन पाएगा। अब जो ये जो आंदोलन चल रहा है, आज 396 दिन हो गए हैं और पूरे हरियाणा में जितने भी जगह जगह धरने लगे हुए हैं या टोल प्लाजा पर धरने लगे हुए हैं, अभी तक सबका आपस में समन्वय नहीं था। आज ये कमेटी बना के ये तालमेल बनाया गया, कहीं भी किसी भी किसान के साथ अगर सरकार कोई गलत हथकंडा अपनाती है तो पूरा हरियाणा एक साथ वहाँ पर उसके साथ इकट्ठा होगा। अब जैसे बस्ताड़ा टोल में ही हुआ था, बस्ताड़ा टोल पे जो सरकार ने जो कांड किया है, जलियावाला कांड की यादें ताजा करा दी। जो एक अधिकारी है वो लोकतंत्र में आज़ादी के बाद ये पहली बार है जो सरेआम ये कह रहा किसानों के सर फोड़ दो और एक भी किसान बचना नहीं चाहिए जिसका सिर ना फूटे। तो ऐसी घटनाएं फिर ना हो, ताकि हम सब एक साथ मिलकर काम कर सके, उसके लिए आज ये कमेटी बनाई गई है और इससे आंदोलन को बहुत मजबूती प्रदान होगी। और जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे और MSP की गारंटी का कानून नहीं बन जाएगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है। गदर तब हुआ था जब अंग्रेजों के अत्याचार पूरे देश पर बेताशा बढ़ गए थे, जनता में त्राही त्राही थी, तब गदर हुआ था। आज भी सरकार, तब भी सरकार ने अत्याचार किए थे, आज भी सरकार जो है अत्याचार कर रही है। सरकार ने जो 40,000 किसानों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, ये सब किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए हैं, जब किसानों की कोई मांग नहीं थी। ये तीन काले कानून जनता पर जबरदस्ती सरकार ने थोपे हैं। तीनों काले कानून पढ़ लें, जब हम उनको पढ़ते हैं तो वो कृषि कानून नहीं है, सरकार हर मामले में गुमराह कर रही है। ये जो कानून है सीधे सीधे व्यापारियों के, पूंजीपतियों के हित के कानून है, कॉरपोरेट के हित के कानून है। सरकार ये कहती है कि भाई इन कानूनों से किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन जब हम आंकड़े उठाकर देखते हैं पिछले 5 साल में जो किसानों पर कर्ज था वो 58% बढ़ गया, अभी सर्वे रिपोर्ट आई है, तो दुगनी आय कैसी होगी? और दुगनी आय कब तक करने की कह रहे थे कि 2022 तक, 2022 तो आ गया, 3 महीने बाकी हैं और 58% किसानों का कर्ज बढ़ गया, तो दुगने नहीं हो रहे, किसानों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। दूसरा, सरकार जो है बार बार ये कहती है किसानों पर लगे हुए प्रतिबंध हटा दिए, सरकार ये नहीं बता पाई आज तक कि किसानों पर लगे हुए कौन से प्रतिबंध हटा दिए, जबकि किसानों ने संसद लगाकर, किसान संसद लगाकर उसमें भी बताया और सरकार को भी इनवाइट किया था कि वो आए और सुने। जो पूंजीपति है, कॉरपोरेट है, उन पे जो सबसे पहला प्रतिबंध हटाया है वो पूंजीपति कॉरपोरेट का हटाया। पहले 1955 में जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना था तो कोई भी व्यक्ति
एक लिमिट से ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकता था। अब सरकार ने उनसे प्रतिबंध हटा दिया और जो कॉरपोरेट है वो कितनी भी वो कर सकता, स्टॉक कर सकता। तो ये किसका प्रतिबंध हटाया? ये पूंजीपति कॉरपोरेट का हटाया। अब सर पहले पूंजीपति जो है कहीं भी नहीं खरीद सकता था। अभी आज जो ये कमेटी बनाई गई है समन्वय समिति, ये इसीलिए बनाई गई है कोऑर्डिनेशन कमेटी के, जहाँ जहाँ आंदोलन हल्का है वहाँ लोगों को जाकर जन जागरण अभियान चलाएंगे और इस आंदोलन को तेज करेंगे। समन्वय सर, तो किस प्रकार के कड़े और बड़े फैसले आप लोग ले सकते हो जो आज इकट्ठे आप लोग एक मंच पर आए हरियाणा के सभी लोग उठा रहे हैं, तो किस प्रकार के फैसले लिए जा सकते हैं? यही चीज तो जो है, क्योंकि अगर बल प्रयोग किया जाता है, हमने ये कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के अंदर बैठे और हमारी मांग जो लोकतंत्र के अंदर रखने का तरीका है हम उस तरीके से रखेंगे अपनी मांग को जो है, लेकिन प्रशासन फिर भी अगर बल का प्रयोग करता है तो जो किसान संयुक्त मोर्चा से के हिसाब से या लोकल टोल के हिसाब से अगर हमें ये समझते हैं कि भाई हमने रिएक्ट करना है उसका, तो तब भी नहीं चूकेंगे, रिएक्ट करना पड़ेगा, फिर हमें इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। नहीं, मतलब रिएक्ट किस तरीके से? रिएक्ट करने का जो है लोकतंत्र में, हम जो है चाहे हमें जिला मुख्यालय का घेराव करना पड़े या जो है पदाधिकारियों के जो है पुतले जलाने पड़े, इस तरीके के आपने जो है हमने कोई मार्च निकालने पड़े, जो लोकतंत्र के अंदर जो हमारे विरोध करने के अधिकार हैं वो सारे के सारे हम इस्तेमाल करेंगे। पहले भी यही बात हुई थी कि किसान संयुक्त मोर्चा, अभी आज मीटिंग है तो किसान संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा उसके ऊपर, अगर वो ये कहते हैं हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठते हैं तब भी हम उनके साथ खड़े हैं, अगर वो ये कहते हैं कि अगर हम दिल्ली के बॉर्डर खोल दिए जाते हैं और किसान संयुक्त मोर्चा कहता हम आगे जो है कुछ करेंगे, तब भी जो है हम उनके साथ सहमत है। जिस प्रकार के आदेश आएंगे किसान संयुक्त मोर्चा के जो है टोल उसी प्रकार से कार्य करेंगे। बस कहां देखते हो किसान आंदोलन को, इतने महीने लगभग 10 महीने होने को हैं, तो किस को हो जाएंगे, आज किस स्थिति में देखते हो आंदोलन को? एक दफे जो है ऐसा लगा था कि शायद लोग भी समझने लग गए थे कि आंदोलन की धार थोड़ी कमजोर होगी, मुजफ्फरनगर की रैली ने दोबारा से फिर जो इसके अंदर जो है और उसको धारदार बना दिया, फिर इसके अंदर घी डालने का काम किया करनाल का जो कांड हुआ उसमें कि किसानों के साथ जो ज्यादती हुई, एक प्रशासनिक अधिकारी की जो डिक्टेटरशिप वहां पर चली, उसकी वजह से जो है दोबारा से किसान फिर एकदम से जो है इनके अंदर जोश उत्पन्न हो गया कि हम अपने जो है पूरे होशो हवास के अंदर इस मजबूती के साथ इस आंदोलन को लड़ेंगे और अभी आगे